लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, तो उसके अंदर हमने आपको डेफिनेट इनडेफिनेट वेरिएबल प्लस हमने एक्स आंट एक्स पोस्ट वेरिएबल, इंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस वेरिएबल्स और स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स के बारे में बात की है। अब हेडिंग डालेंगे क्या, कॉन्स्टेंट एंड पैरामीटर, कॉन्स्टेंट एंड पैरामीटर, कॉन्स्टेंट एंड पैरामीटर। स्थिरांक एवं प्राचल लिखेंगे, ए कॉन्स्टेंट इज एनीथिंग, ए कॉन्स्टेंट इज एनीथिंग हुज वैल्यू डज नॉट चेंज, हुज वैल्यू डज नॉट चेंज, व्हाइल ए पैरामीटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट, is a special type of constant determined by a constant determined by population hanji good afternoon आप ऐसे बीच में मत वो करो ना, ऐसे फिर क्लास का वो हो जाता है ना। वो तो ठीक है, अब जैसे अब क्लास के अंदर एक्चुअल में क्या है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना क्लास में, तो फिर वो क्या है कि फिर वो बीच में फिर सब इंटरप्शन जाता है ना। आज का टॉपिक है कॉन्स्टेंट एंड पैरामीटर, कॉन्स्टेंट एंड पैरामीटर। ए कॉन्स्टेंट इज एनीथिंग हुज वैल्यू डज नॉट चेंज, हुज वैल्यू डज नॉट चेंज, व्हाइल ए पैरामीटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट, ए पैरामीटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट विच इज डिटरमाइंड बाय which is determined by population, which is determined by population, population से मतलब यहां पर यह नहीं है जनसंख्या से मतलब नहीं है population से, यहां population से मतलब है large type of data, तो bracket में लिख सकते हैं large type of data, for example in consumption function in consumption function c is equal to c0 plus by where c is equal to consumption c0 is equal to autonomous consumption b is equal to marginal propensity to consume MPC, marginal propensity to consume and y is equal to disposable income, in this function c0 is constant and b or MPC is a parameter. Parameter.
फिर लिखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है अपना, वो आता है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, आय की अवधारणा। लिखेंगे इनकम इज द अमाउंट ऑफ मनी, इनकम इज द अमाउंट ऑफ मनी कॉमा गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल कॉमा कॉरपोरेशन और इकोनॉमी इन ए गिवन टाइम पीरियड। लिखेंगे आय कॉमा मुद्रा कॉमा वस्तुओं और सेवाओं की वह मात्रा है जो व्यक्ति कॉमा फर्म या एक अर्थव्यवस्था दी हुई अवधि में प्राप्त करती है। लिखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इज टू टाइप्स। फर्स्ट लिखेंगे फैक्टर इनकम साधन आय, और दूसरा है इसके अंदर ट्रांसफर इनकम हस्तांतरण आय। नेक्स्ट लिखेंगे फैक्टर इनकम इज द इनकम ऑफ द फैक्टर ओनर्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड बाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। साधन आय वह आय है जो उत्पादन के साधनों के स्वामियों को उनके द्वारा की गई सेवाओं के बदले में उत्पादक क्षेत्र से प्राप्त होती है। एक बार दोबारा से सुनेंगे, फैक्टर इनकम इज द इनकम ऑफ द फैक्टर ओनर्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसके अंदर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर टू टाइप्स
साधन आय दो प्रकार की होती है, साधन आय दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है रियल इनकम और दूसरा मनी इनकम। रियल इनकम वास्तविक आय और दूसरा मौद्रिक आय लिखेंगे। इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रियल इनकम, इज कॉल्ड रियल इनकम। व्हाइल इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी इनकम, इज कॉल्ड मनी इनकम। वस्तुओं और सेवाओं के रूप में प्राप्त आय को, वस्तुओं और सेवाओं के रूप में प्राप्त आय को वास्तविक आय कहा जाता है, वास्तविक आय कहा जाता है। जबकि मुद्रा के रूप में प्राप्त आय को, मुद्रा के रूप में प्राप्त आय को मौद्रिक आय कहा जाता है। तो यहां हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम के अंदर बात किया, फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम जो फैक्टर्स को रिसीव्ड होती है। अब उसके अंदर भी दो पार्ट है, रियल और मनी इनकम के रूप में। सेकंड लिखेंगे इसके अंदर ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम हस्तांतरण आय लिखेंगे। ट्रांसफर इनकम इज ट्रांसफर्ड बाय वन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, वन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू द अदर, टू द अदर। इट इज एन यूनिलेटरल पेमेंट, इट इज एन यूनिलेटरल पेमेंट लाइक ओल्ड एज पेंशन पॉकेट एक्सपेंसेस स्कॉलरशिप एटसेट्रा। लिखेंगे हस्तांतरण आय अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र द्वारा दूसरे क्षेत्र को किया गया आय का हस्तांतरण इसे एक पक्षीय भुगतान भी कहते हैं। जैसे वृद्धावस्था पेंशन, जेब खर्च, छात्रवृत्ति आदि। तो जो ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं और जो फैक्टर इनकम होती है, दोनों में अंतर है। फैक्टर इनकम के अंदर क्या कि जो लेबर है वो वर्क कर रहा है तो डेफिनेट उसको वेजेस मिलेगी, सैलरी मिलेगी। अगर लैंड है तो उसका जो रिटर्न है वो क्या मिलेगा, उसको रेंट मिलेगा। प्लस अगर को जो कैपिटल यूज हो रही है तो उसका जो रिटर्न है वो क्या बोलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो एंटरप्रेन्योर यदि कोई वर्क कर रहा है तो डेफिनेट उसको क्या मिलेगा, उसका प्रॉफिट मिलेगा। ये उसके क्या है, सर्विसेज वाले पार्ट है, यानी उनका इनकम का पार्ट है।
लेकिन कुछ पार्ट ऐसा भी होता है तो गवर्नमेंट जो क्या बोलते हैं वन साइडेड पेमेंट करती है, यानी बिना कोई काम किए सरकार द्वारा या फॉरेन सेक्टर द्वारा या किसी एक सेक्टर द्वारा दूसरे सेक्टर को क्या बोलते हैं जो पैसा दिया जाता है या ट्रांसफर की जाती है मनी, उसको ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। जैसे ओल्ड एज पेंशन है, तो जो हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर जो वृद्ध लोग हैं उनको यदि क्या बोलते हैं हम पेंशन देते हैं तो वो इसके अंदर इंक्लूड होती है। लेकिन जो सर्विसेज में काम कर रहे हैं, जैसे मेरे फादर हैं वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं, तो वो रिटायर होने के बाद जो पेंशन मिलती है तो वो पेंशन जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम ट्रांसफर पेमेंट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सर्विस की है उसी का कुछ पार्ट उनको बाद में रिटर्न में मिलता है। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। यहां हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। वो है दोबारा पूछिए। यूनिलेटरल, दोबारा क्या? यूनिलेटरल यानी वन साइडेड पेमेंट जो है ना वो है ना, वन साइडेड पेमेंट है जिसके बदले में, अभी जैसे कोई भी व्यक्ति को यदि इनकम हो रही है तो डेफिनेट उसको काम किया होगा तो उसकी इनकम हो रही है तो उसको मिलेगा। लेकिन आपको यदि जेब खर्ची मिल रही है तो आपने क्या बोलते हैं घर के लिए कुछ ऐसा चीजें नहीं करी तो आपको उसकी वो चीजें दी जा रही है। यदि आपको क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप मिल रही है तो गवर्नमेंट के लिए आपने कोई कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं किया, वर्क नहीं किया, श्रम नहीं किया तो उसके बदले में आपको दी जाती है, तो वो वन साइडेड पेमेंट कहलाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। अभी जब नेशनल इनकम करेंगे तो उसके अंदर और भी बहुत डिटेल के अंदर बात करेंगे। जो ट्रांसफर इनकम होती है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। और जो फैक्टर इनकम होती है उसको हम क्या बोलते हैं नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो यहां पर हम इस जो टॉपिक है इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और वेरिएबल्स के अंदर हम केवल वो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जो बाकी बाद में हमको क्या बोलते हैं डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर हेडिंग डालेंगे इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सच वर्क, एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सच वर्क बाय वर्च्यू VIRTUE ऑफ विच लेबर, बाय वर्च्यू VIRTUE वर्च्यू ऑफ विच लेबर और सर्विसेज ऑफ ए, लेबर और सर्विसेज ऑफ ए पर्सन आर रिवार्डेड, आर रिवार्डेड। इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट इज दैट एक्टिविटी, इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट इज दैट एक्टिविटी विच रिजल्ट इन अर्निंग ऑफ इनकम, विच रिजल्ट इन अर्निंग ऑफ इनकम। रोजगार से अभिप्राय ऐसे काम से है जिसमें, ऐसे काम से है जिसमें किसी के श्रम या सेवा का प्रतिफल मिलता है, जिसमें किसी के श्रम या सेवा का प्रतिफल मिलता है। अर्थात रोजगार वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप आय की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है।
फिर लिखेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट पूर्ण रोजगार, लिखेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट मीन ए सिचुएशन, फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स ए सिचुएशन इन विच एट ए गिवन लेवल ऑफ इन विच एट ए गिवन लेवल ऑफ रियल वेज गिवन लेवल ऑफ रियल वेज कॉमा डिमांड फॉर लेबर डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू इट्स इज इक्वल टू इट्स अवेलेबल सप्लाई सप्लाई लिखेंगे पूर्ण रोजगार वह स्थिति होती है जिसमें पूर्ण रोजगार वह स्थिति होती है जिसमें किसी दिए हुए वास्तविक मजदूरी के स्तर पर किसी दिए हुए वास्तविक मजदूरी के स्तर पर श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर होती है श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर होती है यानी इसके अंदर क्या एक गिवन वेज रेट के ऊपर जितनी सप्लाई की रिक्वायरमेंट है और जितनी डिमांड है वो आपस में क्या बोलते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या कहलाता है फुल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन कहलाती है ठीक है नेक्स्ट लिखेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के प्रकार बेरोजगारी के प्रकार इसमें एक नोट लगाएंगे पहले ही टाइप ऑफ उसके अंदर लिखेंगे इवन इन ए सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इवन इन ए सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ए सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इन शॉर्ट सॉरी इन सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ए सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इट इज ए सिचुएशन ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लिखेंगे पूर्ण रोजगार की स्थिति शून्य बेरोजगारी की स्थिति नहीं है पूर्ण रोजगार की स्थिति शून्य बेरोजगारी की स्थिति नहीं है अर्थात यह बेरोजगारी के प्राकृतिक दर बेरोजगारी के प्राकृतिक दर प्राकृतिक दर की स्थिति होती है क्या होती है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है बताइए सकते हैं कोई लिखेंगे इसके अंदर द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट
अब लिख लीजिएगा, द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम नॉर्मल लेबर मार्केट अराइजिंग फ्रॉम नॉर्मल लेबर मार्केट फ्रिक्शंस दैट एग्जिस्ट व्हेन द लेबर मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वह दर होती है जो श्रम बाजार के संतुलन की स्थिति में उसके सामान्य संघर्षों के कारण उत्पन्न होती है यानी कहने का मतलब, अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर क्या बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति क्या बोलते हैं, बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार का मतलब इसके अंदर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर हमारे यहां पर जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये एज्यूम किया हुआ है कि 5.5% रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ए फुल एम्प्लॉयमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे यहां पर जब हम इसके अंदर सेक्शन बी के अंदर होंगे या शायद सेक्शन सी के अंदर होंगे, जो फिलिप्स का आएगा, तो फिलिप्स कर्व के अंदर क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशनशिप को शो किया हुआ है, जिसको फिलिप्स कर्व के नाम से डिनोट करते हैं। तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, तो इन्होंने क्या बोलते हैं, यूएसए के और इंग्लैंड के डेटा के 100 साल के डेटा के आधार पर, एक टाइम सीरीज डेटा के आधार पर क्या बोलते हैं, एनालिसिस या रिजल्ट निकाला या कंक्लूजन निकाला कि 5.5% रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ए फुल एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर 5.5% लोग बेरोजगार होते हैं, और वो जो बेरोजगार होते हैं उनके हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं। अब हो सकता है कि वो मेरी इच्छा है, मैं काम नहीं करना चाहता। दूसरा ऐसा हो सकता है कि फ्रैक्शनल हो सकता है, या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है कि भाई क्या बोलते हैं, अभी मेरे अंडर ट्रेनिंग हूं तो मैं कोई नई जॉब के अंदर जाना हो तो ट्रेनिंग के अंदर हूं तो उस टाइम मैं अनएम्प्लॉयमेंट पोजिशन में हूं, तो उस तरह की सिचुएशन बन के आती है। तो इसके अंदर लिखेंगे, Even in a situation of full employment, following types of unemployment are not ruled out. Their rate is referred to as natural rate of full employment। लिखेंगे, पूर्ण रोजगार की स्थिति में निम्नलिखित बेरोजगारी पाई जाती है, निम्नलिखित बेरोजगारी पाई जाती है, इनकी दर को ही बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसके अंदर वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ऐच्छिक बेरोजगारी।
लिखेंगे when the laborers are not ready to work, when the laborers are not ready to work at the existing rate of wage or are not willing to work when there is work, then such an unemployment is called voluntary unemployment. लिखेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी, जब श्रमिक मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार ना हो अथवा काम होने पर भी अपनी इच्छा से काम न करना चाहें तो ऐसी बेरोजगारी ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। सेकंड लिखेंगे फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, संघर्षात्मक बेरोजगारी। लिखेंगे it is the unemployment associated with the changing of jobs in a dynamic economy। लिखेंगे संघर्षात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसका संबंध एक गतिशील अर्थव्यवस्था में कार्य को बदलने से होता है। यानी एक जॉब से दूसरे जॉब के बीच में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं क्या, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट लिखेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट संरचनात्मक बेरोजगारी। लिखेंगे it is the unemployment that results from the long term decline of certain sector or industry। यह संघर्षात्मक बेरोजगारी, यह वह बेरोजगारी है जो कुछ उद्योगों या क्षेत्रों के दीर्घकालीन ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। यानी इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, यानी जैसे अपने कहा कि हमारे पहले जो पोस्ट ऑफिस वाला सिस्टम था वो सारा मैनुअल वर्क होता था, अब जो होता है वो सारा कंप्यूटराइज वर्क होता है। तो वहां पर जो लोगों को क्या बोलते हैं, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के अंदर जो जा रहे हैं और उनको क्या बोलते हैं, उस चीज के अंदर सेट होने में टाइम लग रहा है, तो उस वजह से जो बेरोजगारी है वो इस वजह से होती है।
फिर आता है क्या, नेक्स्ट लिखेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी लिखेंगे। इट अराइजेज बिकॉज सम ऑक्यूपेशन रिक्वायर workers only during some part of each year लिखेंगे। यह वह बेरोजगारी होती है जो इस कारण से उत्पन्न होती है कि कुछ व्यवसायों में श्रमिकों की मांग केवल कुछ समय के लिए ही होती है, केवल कुछ समय के लिए ही होती है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट तकनीकी बेरोजगारी। इट इज एसोसिएटेड विद टेक्निकल चेंजेस लिखेंगे। यह वह बेरोजगारी है जो तकनीकी परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है जैसे अभी आजकल फॉरेन में तो ऐसा सिस्टम था कि अपने यहां पे जो बाईजी होती हैं, और अधिकांश तो बाईजियों का नाम शांति बाईजी होता है, लेकिन वो शांति नहीं होती है, वो घर में आती है तो क्या कर देती है, अशांति कर देती है। तो पहले उनके लिए सब चीजें ऐसे ऐसे करो, चाय बनाओ और चीजें बनाओ, सब चीजें करो, तब जाके वो काम करती हैं। तो इसी तरह से अब उस चीज को खत्म करने के लिए यहां पर क्या हो गया कि रोबोट्स आ गए। तो रोबोट्स के अंदर क्या हो गया है कि उसके अंदर इस तरह की प्रोग्रामिंग सेट हो जाती है, तो वो आपके क्या बोलते हैं उस एरिया के अंदर जहां सोफा और ये सब चीजें रखी हुई है, तो प्रोग्रामिंग करके वो रोबोट आपको क्या बोलते हैं सफाई कर देता है। और उस रोबोट को सफाई करने के बाद अगर उसको लगता है कि उसकी बैटरी डाउन होने वाली है, तो वापस वो अपने आप ही प्लग में जाके इंस्टॉल हो जाता है और वो फिर वापस काम करने लग जाता है, जिस तरह से उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग है। तो आजकल ये क्या बोलते हैं, इस तरह के जो रोबोट्स हैं वो आजकल बाईजी, जिनका नाम शांति बाईजी होता है, उनकी जगह यूज में लिया जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, इसकी वजह से यदि कोई लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उसको टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब लिखेंगे इसके अंदर नोट एक, अकॉर्डिंग टू हैंसन फुल एम्प्लॉयमेंट मींस Absence of involuntary unemployment। लिखेंगे हैंसन के अनुसार पूर्ण रोजगार का अर्थ है कि अनैच्छिक बेरोजगारी की अनुपस्थिति, अनैच्छिक बेरोजगारी की अनुपस्थिति यानी फुल एम्प्लॉयमेंट अगर अपन कह रहे हैं तो उसके अंदर वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, लेकिन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमने कुछ फुल एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है उसके बारे में हमने बात किया है। फिर लिखेंगे इसके अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट अल्प रोजगार। It is a condition that
इट इज ए कंडीशन दैट एग्जिस्ट व्हेन एम्प्लॉयड पीपल आर इट इज ए कंडीशन दैट एग्जिस्टिंग दैट एग्जिस्ट सॉरी एग्जिस्ट व्हेन एम्प्लॉयड पीपल आर नॉट बींग यूज्ड इन देयर मोस्ट एफिशियंट वे इन देयर मोस्ट एफिशियंट वे लिखेंगे अल्प रोजगार वह अवस्था है जिसमें लोगों का उनके सबसे कुशल काम में प्रयोग नहीं किया जा रहा होता उनके सबसे कुशल काम में प्रयोग नहीं किया जा रहा होता फिर लिखेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इज टू टाइप्स अल्प रोजगार दो प्रकार का होता है फर्स्ट लिखेंगे विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट पहला होता है दृश्य अल्प रोजगार और दूसरा होता है अदृश्य अल्प रोजगार अब इसके अंदर तो ये तो चीज मालूम है कि यदि एक व्यक्ति क्वालिफाइड है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और लेकिन वो क्या बोलते हैं स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है तो डेफिनेट है क्या होगा अंडर एम्प्लॉयमेंट विजिबल होगा लेकिन इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए जो पोजीशन होती है जिसको बोलते हैं क्या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट छिपी हुई बेरोजगारी इट मीन्स अपने कह सकते हैं कि जैसे ज्यादातर ये फार्मर्स के अंदर मिलता है कि एक परिवार के 10 लोग एक फार्म हाउस में काम करते हैं लेकिन वहां उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो केवल 5 जनों की ही काम की है तो जो रिमेनिंग 5 हैं उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 0 है तो वो कहलाते हैं क्या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट की पोजिशन बन के आती है इसके अंदर किसी को कोई डाउट है कोई किसी को डाउट है कोई डाउट नहीं ठीक है फिर लिखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या हेडिंग डालेंगे कंजम्पशन उपभोग उपभोग लिखेंगे कंजम्पशन रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच इज स्पेंट बाय द कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी On the purchase of final goods or consumer goods लिखेंगे उपभोग से अभिप्राय
राष्ट्रीय आय के उस भाग से होता है, राष्ट्रीय आय के उस भाग से होता है जो अर्थव्यवस्था में, जो अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं द्वारा अंतिम वस्तुओं अंतिम वस्तुओं या उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए या उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए खरीदने के लिए खर्च किया जाता है, खर्च किया जाता है। तो ये कहलाता है क्या? कंजम्पशन। लिखेंगे कंजम्पशन इज इक्वल टू, कंजम्पशन इज इक्वल टू वाई माइनस एस, वाई माइनस एस, और कंजम्पशन इज इक्वल टू वाई माइनस आई, वेयर सी वाई एस आई, वेयर सी कंजम्पशन, वाई इनकम, एस सेविंग बचत, आई इन्वेस्टमेंट, आई इन्वेस्टमेंट। ठीक है,